आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं। लगातार शाजापुर बॉर्डर पे बने हुए हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान के अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह। यहां पहुंचे हैं और इन्होंने ट्रैक्टरों को लेके, 26 जनवरी को लेके इन्होंने घोषणा भी की है और इनसे जानते हैं, कई बातें जानते हैं इनसे। जी डॉक्टर साहब, आप सांसद भी रह चुके हैं अलवर से और आज आपने ट्रैक्टरों को लेके बहुत बड़ी बात कही है, तो किस तरीके से कितने ट्रैक्टर आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स यहाँ इकट्ठे होंगे और हम लोग जो यहाँ पर, हमारे प्रधान साहब है, सरपंच साहिबान हैं, विभिन्न क्षेत्रों से किसानों के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने बहरोड, बुंडावर, बानसूर, कोट कासिम, इन क्षेत्रों से 500 ट्रैक्टर लेके आने की बात कही है, जिनकी लिस्ट हमारे साथी बस्तीराम जी ग्राम वाइज सौंप देंगे और हम अच्छी संख्या में यहाँ पर आएंगे और ट्रैक्टर से सारे दिल्ली तक के रास्ते को भर देंगे। और मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि किसान इस तरह से नहीं मानने वाले हैं, उनको अपने ये कानून वापस लेने होंगे। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं जी और एक सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस से जी, तो आज आप डॉक्टर या फिर कांग्रेस की तरफ से आएंगे या फिर किसान बन के यहाँ पहुँचे? देखिए, मैं किसान के बेटे के नाते आया हूँ। मैं डॉक्टर बनने से पहले किसान का बेटा था, किसानी का काम करता था, कांग्रेस में आने से पहले किसान था। कांग्रेस मेरी पार्टी है, सौभाग्य है कि हमारी पार्टी भी इस सारे आंदोलन को समर्थित कर रही है, लेकिन मैं व्यक्ति से करण सिंह यादव किसान का बेटा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप यादव हैं और सांसद और डॉक्टर भी हैं जी, तो यहाँ शाजापुर बॉर्डर पे, मैं फिर कहूँगा, बार बार मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, कुछ यादव बेल्ट का यहाँ किसान आंदोलन में सहयोग कम है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये क्षेत्र के इतना नज़दीक है कि हजारों की तादाद में लोग आते हैं, दिन भर यहाँ रहते हैं, शाम को चले जाते हैं घर पे जा करके, और गांव-गांव में जहाँ हमारे साथी लोग गए हैं वहाँ आज हर आदमी समझ लिया है, भारत का कोई किसान ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि किसानों की मांगें उचित नहीं है। बीजेपी के लोग भी अब सक्षम नहीं है गाँव में जाके मीटिंग करने के लिए, और ये 26 तारीख को मान ली जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप देखेंगे धीरे धीरे ये आंदोलन फिर तेजी से आएगा। अभी थोड़ा सा जिस तरह से वातावरण बन रहा था, लग रहा था कि कुछ समझौता होने वाला है, लोग थोड़े से ढीले हुए, लेकिन वापस 26 तारीख को या तो मान जाते हैं वरना फिर ये आंदोलन आगे तेज होगा। जी डॉक्टर साहब, आप करण सिंह यादव मेरे साथ डॉक्टर बने हुए हैं, अलवर से पूर्व सांसद हैं और डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, बार बार बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हवा दे रही है, आग दे रही है और वो फंडिंग भी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, किसान यहाँ पर आज इतना सक्षम है कि वो अपने साधनों से, आज बात उठती है कि सब वहाँ पे ब्रेड और टोस्ट खाए जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर बर्गर पिज्जा खाए जाते हैं। अरे भाई, पिज्जा मक्की से बनता है, मक्की किसान बनाता है, टोस्ट है तो वो आटे से बनता है, वो आटा किसान बनाता है, मक्खन वो पैदा करता है, तो वो तुम्हारे कोई होटलों का लेके थोड़ी खा रहा है, बैठ करके अपने घर के आटे को पीस करके उसकी डबल रोटी बना करके उसको खा रहा है, उसी को पिज्जा बना के खा रहा है, तो तुमको क्यों जलन हो रही है इस बात के लिए कि वो पिज्जा खा रहे हैं? लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में, इस पानी की बौछार के नीचे, और 2 महीने से अधिक समय से लोग जो पड़े हुए हैं वो एक दृढ़ भावना को लेकर पड़े हुए हैं और वो निश्चित रूप से अपना हक लेकर के जाएंगे। ये तीनों मांगे केंद्र सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, ये बिल। जी, मैं के आपसे कांग्रेस को लेके ही बातचीत करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए। कांग्रेस ना तो खुल के समर्थन कर पा रही है और ना अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं खुल के आ पा रही है, तो कारण क्या है? या तो ये खुल के आइए किसानों के समर्थन में। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कांग्रेस खुल के कर रही है, प्रदेश में हर जिले के अंदर संघर्ष हो रहे हैं, ट्रैक्टर रैलीज निकाली जा रही है,
पिछले दिनों किसान अधिकार दिवस के रूप में जयपुर के अंदर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। तो ऐसा नहीं है, हर प्रदेश के अंदर हर जगह कर रही है, क्योंकि किसानों की ये मांग रही है कि आप डायरेक्ट इसमें मत आइए। बाकी तो किसान से पहले ही राहुल गांधी ने हरियाणा और पंजाब का दौरा करके किसानों को जगाने का काम किया था, पर किसान आज देश भर का जाति धर्म पार्टियों को छोड़ करके एक हो रहा है, उस एकता में हम बाधक नहीं बनना चाहते। बाकी कांग्रेस समग्र रूप से इस आंदोलन के साथ में है और पूर्णतया समर्थन करेगी, और जब ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के आगे आने से किसानों को बल मिलेगा तो आगे भी आपको पाएंगे। बीजेपी सरकार ने कल मीटिंग हुई परसों किसानों की, उसमें कहा हम 1.5 साल के लिए आपके कानून वापस कर रहे हैं, यानी कि पेंडिंग में डाल देते हैं 1.5 साल के लिए। हम 1.5 साल के बाद दोबारा कमेटी बनेगी, इसमें संशोधन करेंगे, आपको भी बैठाएंगे, हमारी तरफ से भी लोग बैठेंगे। तो क्या लगता है 1.5 साल के लिए पेंडिंग सही है, किसान अपने घर चले जाएंगे? 1.5 साल के लिए पेंडिंग जब करने की बात है तो उनको ये तो लगने लग गया ना कि उनके कानूनों में खराबी है, उनके कानून ये नहीं मानेंगे। ये तो मुंह का सवाल हो गया कि लोग ये नहीं कहते कि साहब मोदी जी झुक गए, इसलिए 1.5 साल तो आप ऐसे निकाल दो, बाकी माई बाप जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, एक बार हमारी मूंछ बता लो, ये है उनका कहना। तो किसानों ने मना कर दिया साफ दो टूक। हाँ जी बिल्कुल, कि हम 1.5 साल नहीं, हम इसमें कानून बना दीजिए, हम चले जाएंगे। सही क्या किसानों ने? ये सही क्या किया कि जब आप 1.5 साल के लिए मान रहे हो तो 150 साल के लिए क्यों नहीं मान रहे, 3 साल के लिए क्यों नहीं मान रहे? आपकी सरकार तो ये 3 साल ही तो रहने वाली है, तो 1.5 साल क्यों भैया? 3 साल मान लो ना, फिर अगली सरकार आएगी जो देखेंगे। सर मैं एक क्वेश्चन लास्ट में और करूँगा आपसे, सांसद की हैसियत से करूँगा, आप राजनीति की तरफ से करता हूँ। 26 जनवरी को आप भी जाएंगे, लाखों किसान ट्रैक्टर लेके यात्रा करेंगे जी। तो आपको नहीं लगता अगर बाय द वे कुछ छुटपुट घटना हो जाती है जी, तो लाखों किसान वो ट्रैक्टर होंगे तो उसका जिम्मेवार होगा कौन? सरकार या फिर आपके मुख्य? सरकार होगी उसके लिए। सरकार को अगर सरकार जनरल डायर वाला काम करना चाहती है तो करके दिखा दे, अगर फौज से इस आंदोलन को दबाया जा सकता है तो करके दिखा दे, दुनिया देख रही है। किसान मांग क्या कर रहा है, अपना अधिकारी तो दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है सर। हाँ जी, और वो अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो भी हैं उनके अंडर जो कहेंगे वो चलेगी। उन्होंने याचिका डाली थी कोर्ट में कि हमें आप एक निर्देश दे दीजिए, हम किसानों का अंदर नहीं आने देंगे, 26 जनवरी की परेड होगी, हमारी गरिमा पे, भारत की गरिमा पे दाग लगेगा, किसान कोई घटना कर सकते हैं। तो क्या लगता है? किसान ने तो कहा हम कोई घटना नहीं करेंगे, हम तो शांतिपूर्ण परेड निकाल रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम कौन से शस्त्र लेके जा रहे हैं? शस्त्र लेके तो वो खड़ा कर रहे हैं सामने पुलिस को और फौज को देख करके, तो ये सारा जिम्मा सरकार पे जाएगा। यहाँ तो सब निशस्त्र जाएंगे और तैयार है, जो सरकार करेगी उसको झेलने के लिए। सर किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे 26 जनवरी के लिए? किसानों से ये है कि सब संगठित होकर के आए, हमको आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से, अभी 60 दिन तक ये देश का इतना बड़ा आंदोलन है जो बगैर किसी हिंसा के हुआ है, यद्यपि सरकार की तरफ से हमारे 70 आदमी मर चुके हैं, ये हिंसा की है तो सरकार ने की है, किसान ने किसी सरकारी कर्मचारी का गला नहीं पकड़ा, किसी से लड़ाई नहीं की, और शांतिपूर्ण ही हमको रहना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्ग निकालना है। सर आपने बहुत अच्छी बात करी है कि 121 किसान शहादत दे चुके हैं, ना किसी अभिनेता ने बोला, ना किसी नेता ने बोला, किसी नेता की गाड़ी पे पत्थर हो कोई चला देता है, इतना हाईलाइट कर देते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये 121 आदमियों की बॉडी घर पहुंची है, उनके घर वालों पर क्या बीत रहा होगा? अब तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है, उनके परिवार को थोड़ा बहुत कुछ मिल पाए? देखिए ये तो मोदी मीडिया है, उन खबरों को तो आने ही नहीं देते, वरना उनकी बातों को टीवी में क्यों नहीं दिया जाता कि उनकी कैसी अंत्येष्टि हो रही है, कितना हुजूम वहाँ पर उमड़ रहा है। मैं जरूर जानता हूँ कि इस आंदोलन के जाने के बाद में, निपट जाने के बाद में, जो यहाँ मरे हैं वो हमारे शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे और हम उनका सम्मान करेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये अलवर के विधायक बने हुए थे, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, और ये भी 500 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पहुँचेंगे 26 जनवरी के दिन।
सरपंच साहब हरचंद सिंह जिंदाबाद। देखिए आपका सवाल था कि अमित शाह की पुलिस है या मोदी की पुलिस है। अमित शाह और मोदी के बाप की दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली हमारी है, हमारे लॉ ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है दिल्ली का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी की और अमित शाह के बाप की दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली हमारे पूर्वजों के खून से सींची गई दिल्ली है और इस आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, तो हमारा भी अधिकार है गणतंत्र पे परेड करने का और तिरंगे के साथ परेड करेंगे, नहीं तो इनकी बक्कल उतार देंगे। इनकी शांतिपूर्ण की हाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण, यदि अशांति करेंगे ना तो इनकी बक्कल उतार दी जाएगी। अब बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया किसानों ने, अब नहीं सहन करेंगे। जी सरपंच साहब, अभी 26 जनवरी को आप भी आ रहे हैं, 500 ट्रैक्टरों के साथ आ रहे हैं, डॉक्टर कंसी यादव ने बोला है, तो क्या आपका प्लान रहेगा? देखिए सांसद साहब 20 तारीख से पहले से यहाँ हैं और बार बार ये आ रहे हैं कि उम्र का तकाजा, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं, ये बार बार इस उम्र के बावजूद यहाँ आते हैं। 500 ट्रैक्टर के लिए जो किया है इन्होंने, ये इनका खुद का है और उसके बाद में हजारों ट्रैक्टर आएंगे, 3 लाख ट्रैक्टर का है दिल्ली में पहुँचने का। मोदी और अमित शाह के लिए हवा खिसक जाएगी 26 तारीख को, ये बता दीजिएगा आप भी। तो अभी क्या लग रहा है सर, आज मीटिंग चल रही है, आज फाइनल मीटिंग होनी है, किसान बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कुछ फैसला हो पाएगा? इनको लेना पड़ेगा भाई। हाँ। नहीं लेना पड़ेगा तो इनको जाना पड़ेगा। अभी किसान जग चुका है इस देश में, देखे इस तरह की व्यवस्था कर दी थी इन्हें, जो भी आंदोलनकारी आते थे आंदोलनकारियों को तरह तरह के तमके देते थे, जैसे कि इस आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बता दिया, अभी पंजाब से पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का लोग खड़े होंगे, तो इनको जाना पड़ेगा और ये जल्दी ही जाएंगे। क्यों जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल ये सरकार चली जाएगी, चली जाएगी। किसान आंदोलनों को पूरा नहीं करेंगे ना, आर पार के मूड में है। हाँ, आर पार के मूड में। क्यों जी, भाई साहब कहाँ से आए हम? ये प्रधान जी है, बैरोड से। बैरोड से आप? प्रधान जी आप बैरोड से हैं, आपका सड़क मार्ग पे ही गांव आता है बैरोड, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से इस बॉर्डर पे चारों सभी बॉर्डर सील हैं, सरकार पीछे हट नहीं रही है, कुछ सरकार ने माना है भाई 1.5 साल के लिए कानून वापस कर देते हैं, क्या सही है 1.5 साल के लिए? देखिए मोदी जी को 1.5 साल पहले इन किसानों ने ही सत्ता दी है और आज क्या कारण है किसान सड़कों पर बैठा है 2 महीने हो गए। निश्चित रूप से किसान शांतिप्रिय वर्ग है और शांतिपूर्वक तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के रूप में परेड निकालने का फैसला किया है, जो सफल होगा, शांतिपूर्वक होगा और सरकार के घुटने टेक करके सांस लेंगे। आपका कितना बड़ा काफला यहाँ से डॉक्टर कर्ण सिंह यादव? हमने कहा ना, ये 500 ट्रैक्टरों की जो घोषणा की है वो हमने डाक साहब के आदेश की पालना करेंगे और 500 ट्रैक्टर 26 जनवरी को प्रातः 8 बजे से पहले या बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा उसकी पालना के रूप में वहां पे दिल्ली में कूच करेंगे। जी प्रधान जी आप बता दीजिए तारीख पे तारीख कब तक तारीख मिलती रहेंगे आप लोग? तारीख पे तारीख फैसला कभी नहीं, फैसला हम लिखेंगे अब के बाद। क्या बात है, आपके माध्यम से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि किसान की किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, किसान की अपनी वजूद के साथ लड़ाई हो रही है। किसान के वजूद को अगर कोई छेड़ेगा, किसान के वजूद को कोई डिस्टर्ब करेगा, तो किसान किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। दूसरा, कुछ युवा साथी, कुछ अलीट क्लास के लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में खालिस्तानी आ गए हैं, इस आंदोलन को विदेशी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, भाइयों अगर आप देखना चाहते हैं इस आंदोलन में खालिस्तानी आए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बहनों और भाइयों, एक बार एक संडे को किसी भी अपने नियरेस्ट आंदोलन की जगह पर जाइए और अपनी आंखों से देख के आइए कितने खालिस्तानी हैं, कितने किसान हैं, कितने अफगानी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बड़े बड़े शहरों में बैठते हो, आप बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हो, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे आप फोटोए समाचार सुनते हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आपके नियरेस्ट किसी भी एक आंदोलन स्थल पर जाइए और उन किसानों का दर्द महसूस कीजिए, जिन किसानों के उपजाए अन्न को आप खाते हो, जिन किसानों के उपजाई हुई सब्जियों को आप खा रहे हो, जिन किसानों के पैदा किए हुए दूध को आप और आपके छोटे बच्चे पी रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आइए इन आंदोलनों के अंदर, जो किसान बैठे हैं उनका दर्द समझिए। मेरी सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप एक दिन आइए हमारे खेतों में, रात को नंबर आता है बिजली का, कितने बजे बिजली आएगी, 11 से 5 बजे,
भाइयों ये वर्दी जो हमने पहन रखी है ना, ये शाम को 7 बजे बदल जाएगी। सर पे इतना बड़ा टोपा होगा, पैरों के अंदर 3-3 पैंटे होंगी, फिर खेत में पानी देने जाना है। आप आइएगा, मैं खेत में मिलूंगा, उस दिन मेरी ड्रेस देखना। ड्रेस पहनना हम भी सीख गए हैं, जितना आप पढ़े उतना हम भी पढ़े हैं, तो आप हमारी ड्रेस पे सवाल मत उठाइए। मेरी आपकी निवेदन है, सरकार से निवेदन है, किसान जाग चुका है, सरकार से निवेदन है कि इन किसान भाइयों की मांगों को मान लो, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसानों की बात को मान लो, किसान को मरने नहीं देंगे। किसान से पहले उनके बेटे मरेंगे, किसान से पहले उनके बेटे जो बॉर्डरों पे खड़े हैं वो नौकरियां छोड़ेंगे, किसान से पहले उनके परिवार के सदस्य जो आपकी पुलिस में है वो नौकरियां छोड़ेंगे। आपने कहा दिल्ली की पुलिस मोदी जी और शाह के ऑर्डर के तहत चलती है, नहीं मेरे भाई, ऑर्डर उनका चलता है, बेटे हमारे हैं, भाई हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, हमें पता है वो किसका कहना मानेंगे, बस इतना ही काफी। तो हमारे साथ ये बने हुए थे, यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से लोगों में जोश है, जुनून है। और डॉक्टर करण सिंह अलवर के जो सांसद हैं, जो यादव हैं, 500 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे 26 तारीख को, और यहाँ पे जोश किस तरीके से बरकरार लोगों में, हम साझा फोटो से लाइव दिखा रहे हैं लगातार 3 दिन से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।